मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया जिला प्रशासन ने बुधवार को हाईवे से रामलला रोड पर निर्मित पक्के निर्माण अवैध बताते हुए तोड़ दिए, जबकि जमीन के क्रेता विक्रेता दोनों ही प्रशासन की कार्यवाही को गलत ठहरा रहे हैं। उधर मामले में कलेक्टर संजय कुमार के संज्ञान में ये मामला पहुंचा तो कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण से पहले ही जमीन खरीदने वालों को बता दिया गया था कि यह जमीन सरकारी है, सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत थी, इसलिए अवैध अतिक्रमण मानते हुए इसे हटाया गया है। हरचरण कुशवाहा ने 2016 में अपनी जमीन के हिस्से में से 30-30 फीट का एक हिस्सा मिथिला देवी कुशवाहा को बेचा था। इसकी उनके पास विधिवत रजिस्ट्री, सीमांकन पटवारी की टिप और अन्य सभी दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन प्रशासन इस जमीन को अपनी बताते हुए हाईवे से न्यू कलेक्ट्रेट और रामलला को जाने वाली सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इस पक्के निर्माण को तोड़ दिया। इस मामले में मौके पर पहुंचे राजस्व अमले को क्रेता विक्रेता अपने सभी दस्तावेज दिखाते रहे, पर प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी एक ना सुनी और जेसीबी की मदद से दुकान को तोड़ दिया, जो 30x30 फीट क्षेत्रफल में बनी हुई थी। मिथिला देवी के पुत्र का कहना है कि इससे पहले उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया और प्रशासनिक अधिकारी सीधे मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी। शासन को सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए इस निर्माण को तोड़ा गया। प्लान में जो रजिस्ट्री की थी, क्या आपकी इतनी ही जगह थी जो उन्होंने बेची थी? 30x30 का प्लान था सर, खाते में से था। पक्की रजिस्ट्री है, पक्का सब कुछ है। अब एसडीएम साहब का कहना है कि जिससे उन्होंने रजिस्ट्री करी है वो व्यक्ति से बात करें। तो मैंने वर्ष 2016 में शासन कुशवाहा जी से ये प्लॉट लिया था। इसकी प्लॉट की जो नाप है 30x30 की है। इसकी रजिस्ट्री थी मैम, इसकी डाइवर्सन है, इसकी एनओसी है, आरआई और पटवारी द्वारा इसकी नाप कराई गई, लेकिन शासन ने बिना सूचना दी हुए मेरा दुकान तोड़ दिया गया है, जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं दी और ना कोई मुआवजा दिया गया। मेरा लाखों का नुकसान है और मुझे शासन की तरफ से न्याय दिलाया जाए। मैम आप किससे खरीदी थी आपने? मैंने हरचरण कुशवाहा जी से खरीदी थी। ये हरचरण जी।